अस्सलाम वालेकुम यम्मी कुकिंग रेसिपी से वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो है मैं आपको बना सिखाऊंगी लाहौरी चने की दाल गोश्त की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने चिकन ले लिया है, ये हमारे पास है 1.5 पाव हमने चिकन लिया है और यहाँ पर हमने प्याज ले ली है 1 अदद मीडियम साइज़ की, इनको इस तरीके से कट कर लिया। दही है हमारे पास 2 टेबल स्पून और टमाटर हमारे पास 3 अदद ले लिए थे हमने स्मॉल साइज़ के, उनको 2 शेप में इस तरीके से कट कर लिया था। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट ले लिया है। पुदीना है यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून, पड़ी वाली हरी मिर्च है हमारे पास 2 अदद, ग्रीन चिलीज ले ली है हमने 2 से 3 अदद, हरा धनिया है हमारे पास 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्ची ले ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून पिसी धनिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। और यहाँ पर हमने अपने खड़े मसाले ले लिए, 1 अदद हमने दालचीनी की लकड़ी ले ली, 1 अदद बड़ी इलायची है, 4 अदद हमने छोटी इलायची ले ली, 1/2 टीस्पून जीरा है हमारे पास, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है और यहाँ पर लौंग है हमारे पास 2 से 3 अदद और हम नमक लेंगे हसब ज़रूरत। इसमें हम 1/2 कप ऑयल ऐड कर देंगे, आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखें प्याज जो है हमारी ब्राउन सी हो चुकी है, आप देख सकते हैं सुनहरा सा कलर है इसमें। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो देखें इसको हमने 2 मिनट तक जो अच्छे तरीके से भून लिया था। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इनको। इसको हमने अच्छे तरीके से 5 मिनट तक भून लिया था। अब इसके अंदर अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसको हमने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लिया था। अब इसके अंदर अपने टमाटर ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसके अंदर नमक भी ऐड कर देंगे हसब ज़रूरत, इनको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमने इसको पका लिया था अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे इनको। तो देखिए इसको हमने 10 मिनट तक जो पका लिया था। अब इसके अंदर हम 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। तो देखिए इसको हमने 15 मिनट तक जो पका लिया था। अब इसके अंदर हम चने की दाल ऐड कर देंगे। तो देखिए इसको हमने जो है चने की दाल ऐड करने के बाद 15 मिनट तक पका लिया था। अब इसके अंदर हम अपने खड़े मसाले ऐड कर देंगे, इनको हमने पीस लिया था। यहाँ पे हमने जायफल जावित्री ले ली थी, ये ऐड कर देंगे, हमारे पास 1/2 टीस्पून है तकरीबन। देखिए इसको हमने 5 मिनट तक पका लिया था। अब इसके अंदर हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे अपनी बड़ी छोटी दोनों, और हरा धनिया और पुदीना भी ऐड कर देंगे इसी के साथ। तो देखिए इसको हमने 3 मिनट तक पका लिया था, बिल्कुल रेडी, सब निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी जो है लाहौरी चिकन चने की दाल गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।